नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज। सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र की सियासत कितनी ज्यादा गर्माई हुई है। वही बात की जाए अगर उद्धव ठाकरे सरकार के बारे में, तो बता दें कि इस सरकार भी गठबंधनों से ही बनी हुई है। इसमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, आईएनसी है, यानी कि नेशनल कांग्रेस भी पार्टी उसमें शामिल है। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर एक नेता है जिन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वो आरोप लगाते हैं कि जो ईडी है, जो निदेशालय है, वो बिका हुआ है, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही काम करता है, उनके कहने पर ही लोगों के साथ यहाँ पर सीबीआई काम करती है कि कैसे उन पर केस किया जाए। इस तरीके की बात यहाँ पर कहते नजर आए हैं। शिवसेना के कोई और नेता नहीं, ये बात यहाँ पर संजय निरुपम ने कही है। जी हाँ, बताते चले आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इल्जाम लगाया है कि सीबीआई ईडी उनके अंडर काम करती है, उनके निर्देशों का पालन करती है। जैसा सरकार कहती है कि इसका कॉलर पकड़ना है तो उसी का कॉलर पकड़ा जाता है, या इस पर इस तरीके के इल्जाम लगाने, इस तरीके की बात यहाँ पर संजय निरुपम कहते नजर आए। क्योंकि आपको बता दें कि शिवसेना के ऐसे बहुत सारे नेता है, इंक्लूडिंग संजय राउत भी, अनिल देशमुख भी, जिन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं, और ईडी ने उन पर अपना शिकंजा भी कसा हुआ है, क्योंकि उन पर लगातार करोड़ों रुपए की लेन देन का यहाँ पर मामला सामने आया, जिसको लेकर ईडी यहाँ पर अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए, उन नेताओं को बचाने के लिए, अब जो आईएनसी के नेता है यानी कि संजय निरुपम, अब सीधा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। और इल्जाम ऐसे ही नहीं है, गंभीर इल्जाम है, गंभीर रूप के आरोप है ये, जिस तरीके से जनता के सामने उन्होंने अपनी बात को पेश किया है। तो चलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ईडी, जो इतना बड़ा निदेशालय है, उस पर किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए। अच्छा, हमको भी ऐसी जानकारी मिली है कि आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने कोई नोटिस भेजी है और पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ गलत है तो एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन बार बार ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को हैरेस करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का जो विषय है वो इस समय कोर्ट में है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी, एक कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद भी जिस तरीके से ईडी को लगाया जा रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद या ओवरऑल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बैकफुट पे है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी का भयंकर मामला है, लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों का ध्यान आकर्षित, ध्यान बटाने के लिए हमारे नेताओं को हरास कर रहे हैं, ताकि जो एक संकल्प लिया गया है उदयपुर में, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम आगे न बढ़े। लेकिन हम भी यहाँ इस समय शिरडी से, साईं बाबा के की पवित्र भूमि से आह्वान देना चाहते हैं कि आप चाहे जितना भी कार्रवाई करना चाहे कर लीजिए, हमारी कांग्रेस पार्टी आपको आने वाले दिनों में बेदखल करके रहेगी सत्ता से, क्योंकि अब हमने संकल्प लिया है कि जो लोग इस देश में युवाओं के लिए के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, SC ST के खिलाफ, जो समाज के जो एकदम से वंचित वर्ग है उसके खिलाफ काम करने में लगे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं, और उनको हक नहीं लेने दिया जाएगा, उनको बेदखल किया जाएगा। तो कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे ईडी लगा दे या सीबीआई लगा दे चाहे बीडीए लगा दे। इकड़े तिकड़े मतलब, हाँ, जब अगर भाई हमारे जो नेता लोग हैं वो कानून का पालन करने वाले लोग, और जो कानूनी व्यवस्था ये है कि अगर बुलाया है और इस तरह की नोटिस के तहत एक कानूनी बंधन है कि जाना है तो जाएंगे। दूसरा निरुपम जी, सवाल रस्त्यांवर उतरून याचा निषेध करणार आहात का, कारण तुमचे आता 75 किलोमीटरचे आणखी तुमचे म्हणजे वेगवेगळे दौरे असतील किंवा पदयात्रा असतील, तर मग अशा परिस्थितीत मला असं वाटतं का की जी केस 2015 संपली असं तुमचं म्हणणं आहे आणि ते पुन्हा एकदा नोटीस देत आहेत, तर रस्त्यावर उतरणार आहात का? एक्झॅक्टली यही कहना चाह रहा हूं मैं कि अब हम लोग रस्ते पे उतरने जा रहे हैं। आज पाटिल साहब ने भी कहा कि भाषण उषण बहुत हो गया, अब सीधे रस्ते पे उतरना और एक्शन लेना। और भारत जोड़ो अभियान जो है वो क्या है, एक एक्शन प्लान, एक पूरा का पूरा देश में हजारों किलोमीटर चल करके, पैदल चल के हमारे कांग्रेस के नेता जन जागरण करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुशासन, कुशासन चल रहा है, जो पूरा शासन चल रहा है, जो जानबूझ करके विपक्ष के नेताओं या जो भी उनके थोड़े से विरोधी है उनको परेशान, हैरान और उनको समाप्त करने, उनको नष्ट करने का जो अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ लोगों में एक जागरूकता पैदा करने, इसी के खिलाफ
उनके अंदर एकदम भगदड़ मच गई है और उसी वजह से ये ईडी की नोटिस आई है। तो कोई बात नहीं, इस ईडी के नोटिस के खिलाफ भी सड़क पर उतरा जा सकता है। हमारे नानाबाबू पटोले जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे, मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी वो तय करेंगे, और जब तय करेंगे पूरे के पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता सब मुंबई में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।